नमस्कार दोस्तों द यूपीएससी हैज कम आउट विद डिटेल नोटिफिकेशन फॉर एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम्स फॉर ईपीएफओ सो आज डिटेल नोटिफिकेशन आया है एडवर्टिजमेंट पहले ही आ चुका था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सो डिटेल नोटिफिकेशन का हम लग, हम सबको इंतजार था क्यों क्योंकि एक तो हमें फॉर्म भरना है दूसरा डिटेल नोटिफिकेशन के बाद ही हमें क्लैरिटी आया है कि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं है दोनों का एक ही पेपर होगा या दोनों के अलग अलग पेपर होंगे कैसा पेपर होगा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कौन कौन नहीं है सो लेट अस गो थ्रू सम ऑफ समीज पॉइंट एंड विल सी वि अब आगे हमें क्या करना है वट इज प्लान फ्रॉम हेयर सो uh, गाइज so अभी का हमारा हम अप्रोक्सीमेटली दस मिनट लेंगे हमारा एजेंडा क्या है सो विल डिस्कस दीज पॉइंट कि कौन कौन लोग एलिजिबल है कौन कौन नहीं है एग्जाम uh, पैटर्न क्या है सिलेबस क्या है एग्जाम कब तक हो सकता है और कैसे हमें तैयारी करना है एंड व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जाम्स ठीक है सो so गाइस uh, दो अपने पेपर हैं एपीएफसी एंड ईओएओ ठीक है अब दोनों में ऑफकोर्स वी नो कि ए पी एफ सी इज अ ग्रुप ए जॉब लेवल टेन और ईओ इज अ ग्रुप बी जॉब एंड लेवल एट ठीक है अब एपीएफसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वन फिफ्टी नाइन और ईओ एओ में है चार सौ अठारह ठीक है एलिजिबिलिटी uh, की बात करते हैं तो एपीएफसी के लिए अपर एज लिमिट इज थर्टी फाइव ईयर्स ईओ EoA के लिए अपर एज लिमिट इज थर्टी अब सवाल आता है कि कब तक कब तक मेरा एज थर्टी फाइव ईयर माना जाएगा सो कट ऑफ डेट इज सत्रह मार्च सो अगर आप एपीएफसी का फॉर्म भर रहे हैं और आप सत्रह मार्च को अगर आपकी एज पैंतीस साल या उससे कम है तो आप एलिजिबल हो अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो सिमिलरली फॉर ईओ के लिए सत्रह मार्च को अगर आपकी डेट एज तीस साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट कुछ दो तीन कैटेगरीज की एक्सेप्शन भी हैं जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्स वो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिए इन लोगों को तीन साल पांच साल कुछ एज रिलैक्सेशन होता है अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों में ही सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है किसी में भी आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हो सकता है इट डज नॉट मैटर कि आपके कितने मार्क्स हैं आप कैसे पास हुए बस पास हो गए काफी है यू आर एलिजिबल एक हल्का सा डिफरेंस है कि एपीएफसी में एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी है ठीक है डिजायरेबल मतलब आ, कि अगर आपके पास डिप्लोमा है लेबर लॉज में कंपनी लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन अगर वो नहीं भी है इट इज ओके हम आ, पिछले सात आठ साल से रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए बच्चों का तैयारी करवा रहे हैं ऐसा कोई भी आ, आ, कोरिलेशन नहीं है बिटवीन की ज्यादा लोगों के पास डिजायरेबल तो दे गोट सिलेक्टेड एब्सल जीरो कोरिलेशन इंटरव्यू में आपको हल्का फुल्का हेल्प मिल सकता है अदरवाइज डू नॉट बोधर अगर आके अगर पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो रिटर्न में अच्छे नंबर आएंगे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे दैट विल डिसाइड डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है uh, उसके बाद लेकिन ग्रेजुएशन कब तक कुछ लोग फाइनल ईयर में है तो उन लोगों का क्या होगा सो गाइज अगेन लॉजिक बिल्कुल सेम है कि आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन वाली यह सत्रह मार्च दो हजार तेईस तक आपके पास होनी चाहिए अब होनी चाहिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं है अनदर कैटेगरी अगर आपने एग्जाम दे दिया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एलिजिबल नहीं है हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे आपको वहां मार्क्स भरने पड़ेंगे आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे ये और ये कंसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ ऑल ऑल यूपीएससी एग्जाम्स अगली कैटेगरी की बात करते हैं कि एग्जाम दे दिया है रिजल्ट भी आ गया है पर मार्कशीट नहीं मिली क्यों आप एलिजिबल है यस यू आर एलिजिबल क्योंकि आपको मार्कशीट मिल गई है आप मार्कशीट अपलोड कर पाएंगे अपने नंबर लगा पाएंगे आप एलिजिबल हो ठीक है सो वंस अगेन फाइनल ईयर नॉट एलिजिबल अगर एग्जाम दे दिया फाइनल ईयर का फिर भी रिजल्ट नहीं आया नॉट एलिजिबल अगर रिजल्ट आ गया एलिजिबल अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कोई कंपार्टमेंट है बैक है अगेन नॉट एलिजिबल का मतलब है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप पास हो जाना चाहिए दैट विल डिसाइड कि आप एलिजिबल हो या नहीं कब तक सत्रह मार्च 2023 तक दिस इज हाउ एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइडेड एलिजिबिलिटी के बारे में काफी लोगों को कुछ कुछ डाउट भी होंगे सो so, गाइज अगर कुछ है सो so, डू लेट नो ऑल दो हमारा कुछ लीगल uh, एक्सपर्टीज नहीं है न ही हम यूपीएससी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है फिर भी बेस्ड ऑन वट एवर वी नो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एट ईयरसी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स विल ट्राई अवर बेस्ट टू गाइड यू की जो हमें मालूम है एंड देन यू कैन यूज यूर माइंड सो देर इज अ लिंक इवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो दैट लिंक विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद्सऐप आप उस पर क्लिक कर दीजिए गेट कनेक्टेड एंड डू लेटस नो जो भी आपकी Query है है ठीक अब आगे हम लोग पेपर पे बढ़ते हैं सो सो बिफोर आई टेक यू यू देयर लेट मी टेल आर हम ना दो चीजों के लिए वी आर नोन ठीक है नंबर वन तो जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें वी आर वेरी वेल नोन जितने भी होते हैं जैसे ए एल सी ए ई एस आई सी डी डी डिप्टी डायरेक्टर इंप्लॉयमेंट एडमिन ऑफिसर स्टोर ऑफिसर सो वी विद यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. इनफैक्ट जो पिछला ए का पेपर हुआ था असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का उसमें ऑल ओवर इंडिया थर्टी फाइव सीट थी उसमें से सात लोग हमारे सेलेक्ट हुए थे मतलब एवरी फिफ्थ गायक्ट हुआ सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ही और शी वाजा स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पेरिटस उनमें से एक दो लोग हमने इंटरव्यू भी किया वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिएगा सेकेंड थिंग कि हमारा क्या हाउ पीपल नो वस कि वी हैव गोट आल्सो गोट एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट लेबर लॉज अकाउंटिंग ऐसा क्यों क्योंकि फॉर मल्टीपल एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूजीसी नेट कॉमर्स यूजीसी नेट लेबर लॉज एच एंड मार्केटिंग ऑफिसर विद पी फिर मैनेजमेंट ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसज सो इन सारे एग्जाम्स के लिए वी हैव गोट एक्सपर्टीज ऑफ लास्ट इलेवन ट्वर्स और ये दोनों ही चीजें हमें चाहिए ई के लिए फॉर बोथ एग्जाम दैट इज वाई वी आर यूनिक

ठीक है उसके बाद जो ये रिटर्न एग्जाम होगा इसमें वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस 300 के बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और टोटल 400 नंबर का आपका सिलेक्शन का टोटल आ, आ, लिस्ट बनेगी इसका मतलब क्या हुआ कि रिटर्न और इंटरव्यू का बेटे 75 25 है विच इज वेरी कंसिस्टेंट अमंग ऑल एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी स्पेशली यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स अब सिलेबस की बात कर लेते हैं सो गाइस सिलेबस वही सेम है जो पिछली बार था फॉर बोथ द एग्जाम्स जो एपीएफसी 2016 में उसका जो सिलेबस था और जो एपीएफओ 2017 में और 21 में उसका सिलेबस था सिलेबस बिल्कुल ही सेम है सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है ठीक है अनदर थिंग देर बी अ पेपर बेस्ड एग्जाम मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं है वहां जाके आपको पेपर पे पेपर देना होगा एंड बिकॉज दोनों का सिलेबस सेपरेट है स so कि दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होगा अब वो कैसे करेंगे सुबह शाम करेंगे अगले दिन करेंगे अलग बात है तो दोनों का आपका आ, दोनों का आपका एग्जाम भी आ, दोनों का अलग अलग होगा सो so ये एपीएफसी का सिलेबस है और ये ईपीएफओ एओ का सिलेबस है आप इसको पोज करके देख सकते हैं ठीक है अब गाइज अपना तैयारी शुरू करने से पहले जो पांच छह है चीजें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी ठीक है नंबर वन की आ, बाउंड्री बाउंड्री में किसको बोलता हूं ओ यू एंड ठीक है कि अब जो कितने लेबर लॉ करना है चार दस सोलह अठारह कितने करना है सिर्फ इतना ही नहीं उन लेबर लॉज के अंदर क्या करना है सेक्शन नंबर याद करना है? नहीं करना है uh, 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 उसके अलावा करने, नहीं करने हैं सिर्फ इतना ही नहीं पुराने लेबर लो याद करें या नए लेबर कोड याद करें सो so, ऐसे बड़े सारे सवाल हैं जो हर एक सिलेबस के कीवर्ड की बाउंड्री के अंदर आपको समझने होंगे और मैं आपको कितने भी एग्जांपल दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल अगर आप हम बात करते हैं मे बी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की ठीक है अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में टॉपिक में एक टॉपिक है कि नंबर कन्वर्जन सो so, उसकी डेप्थ क्या है सिर्फ हमें ट्वेंटी फाइव को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखना है या ट्वेंटी है या फिर माइनस ट्वेंटी फाइव को भी सीखना है या माइनस ट्वेंटी है सो वट इज द लेवल कहां तक हमें पढ़ाई करना है सो so, इसको मैं बोलता हूँ बाउंड्री कि हमें बाउंड्री बनानी होगी कि क्या हमें पढ़ाई करना है ठीक है दूसरी बात जो आप सबके दिमाग में शायद आएगी वो क्या है कि कट ऑफ कितना हो सकता है ठीक है उसके बाद वेटेज ऑफ टॉपिक्स मतलब किससे ज्यादा सवाल आएंगे किससे कम आएंगे उसके बाद डिफिकल्टी लेवल अब हम अगर बात करते भी हैं कि जनरल साइंस की तो जनरल साइंस के लिए कौन सी किताब पढ़नी है आठवीं तक की काफी है दसवीं तक की बारहवीं तक की तो ये हमें जानकारी चाहिए तीसरी बात जो प्रीवियस पेपर्स हैं पी क्यू है, जैसे आ, आ, का इससे पहले कब हुआ ए पी एफ सी का दो हजार सोलह में हुआ उससे पहले दो हजार दो हजार दो में दो पहले इक्कीस में उससे पहले दो हजार सत्रह में सो ये जो प्रीवियस पेपर है इनका क्या सिग्निफिकेंस है कौन सा पेपर आज इन रेलिवेंट है कौन सा नहीं है उस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं उसकी क्या बाउंड्री है ठीक है सो पीवाई क्यू से पीवाई क्यू से हमें जो चीजें हमें जो समझना है ठीक है नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि अह कि जो अह कि जो अपना अह अह इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि है अपना एग्जाम डेट ठीक है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अब यूपीएससी अपना कैलेंडर बनाता है उसमें कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम के बोल्ड में रोज़ दिए होते हैं क्या उनका कोई सेंस है भी ऐसे ही उस पर उसको लेके सब हल्ला किए जा रहे हैं सब अपना गेस वर्क किए जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट सो इन सभी चीजों को लेके हम सेपरेटली एक एक करके हम लोग अपना वीडियो डाल रहे हैं कि इनको आपको समझ लीजिए उसके बाद ही अपना पढ़ाई शुरू कीजिए जैसे कि जो सेकेंड वाला है कट ऑफ वेटेज डिफिकल्टी ऑफ टॉपिक्स और पीवाई की जो थर्ड वाला है इस इसपे ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दिया जिसका नाम है वट नेक्स्ट उसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में और जो सिलेबस की बाउंड्री है

अगेन आई रिपीट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल रिलीज फाइव सेवन वीडियो एक एक करके कि आगे क्या करना है क्या बढ़ना है कैसे क्या करना है इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस और हमने अपना कोर्स क्या बनाया कब से क्लासेज शुरू हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए क्या करना है सो यू है्यूमन पेरिटस ठीक है और एक बार अगर आप वेबसाइट पे जाओगे सो देर इज अ लिंक यू एपीएफसी एंड यू ईओ यहाँ दिया हुआ है सो so, इस लिंक को क्लिक करके आप यू कैन गो टू योर कोर्स आप समझ सकते हो कि कैसे एनरोल करना है कैसे फीस देना है क्या क्या कोर्स में होगा क्या हम आपको देंगे एंड यू कैन फॉलो दीज टू लिंक्स सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अपना फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कीजिए कोई भी डाउट है प्लीज गेट बैक टू अस देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू सो मच